में बहुत मुश्किल है कहना कि गाड़ी ने 100 किलोमीटर कितनी देर में ट्रेवल करेगी, बिकॉज फॉग में तो विजिबिलिटी इतनी कम होती है कि कई बार तो 10 km/h पे भी नहीं चल पड़ती है गाड़ी। तो अगर हम 2 घंटे को भी आपके बचा पा रहे हैं, आई थिंक दैट शुड बी गुड एनफ। फ्लाइट्स भी आपकी बहुत डिले हो जाती है, तो ये तो एक तरह से अंधेरे में चलने की वाली बात हो गई। एक ना सिर्फ हम SMS कर रहे हैं बल्कि PA सिस्टम्स में भी जो लोग आ गए हैं उनको भी हम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम से बताते रहेंगे, दैट वील कीप ऑन डूइंग। पर एक मैं आपके माध्यम से पब्लिक को अपील करना चाहूँगा कि जो पैसेंजर्स हैं, एक तो SMS हम करें, दूसरा वो 139 से अपना पता करते रहें, इंक्वायरी करते रहें कि हम कितनी आपकी ट्रेन्स का पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से ही वो स्टेशन की तरफ चले। और जो बाहर की पब्लिक है उससे मैं अपील करूंगा कि ऐसे मौके पे ट्रेसपासिंग बिल्कुल मत करें, ऐसे भी नहीं होना चाहिए ट्रेसपासिंग, लेकिन फॉग में तो बिल्कुल इट विल बी अ सुसाइड। ट्रेसपासिंग और लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी अनऑथराइज क्रॉस बिल्कुल ना करें। ये आप लोगों के माध्यम से मैं ये फैलाना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा पब्लिक को कि ये दो चीज़ें हमारे, बिकॉज इससे एक्सीडेंट किसी की भी हो, किसी की भी फैमिली की एक किसी की डेथ होती है, तो इट इज पेनफुल। तो मैं आप लोग के प्लीज़ इसको स्प्रेड करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा। एक सवाल है सर, कितनी ट्रेनिंग्स वर्क